स्वप्न so, जगत की कहानियों में बच्चों की कहानियां बहुत कुछ सिखाती है ऐसी एक किताब एलिस इन वंडरलैंड है 1865 में प्रकाशित हुई थी कभी उसमें एक छोटी सी बच्ची है एलिस। वो एक खरगोश का पीछे कर, पीछा करते करते स्वप्न जगत में पहुंच जाती है जहां पर अजीबोगरीब चीजें हैं, वहां पर पक्षी है प्राणी है जो मनुष्यों की भाषा जानते हैं एक स्थान पर दिखाया गया एलिस स्वप्न जगत की जो राज रानी है उस महारानी के पास पहुंच जाती है वो रानी एलिस से पूछती है डिड यू मीट समबडी कमिंग टूवर्ड्स मी क्या तुम किसी से मिली हो जो मेरी ओर आ रहा था एलिस कहती है नोबडी। नोबडी अर्थात मैं किसी से नहीं मिली। पर रानी समझती है कि नोबडी नाम का कोई व्यक्ति है वहां और एक दूसरा प्राणी है जो डाकिया है रानी उससे भी पूछती है डिड यू मीट समबड़ी कमिंग टूवर्ड्स मी क्या तुम किसी से मिले हो जो मेरी ओर आ रहा है वो डाकिया कहता है नो बड़ी मतलब कोई नहीं रानी समझती है कि ये दोनों भी नो बड़ी नाम के व्यक्ति से मिले हैं फिर रानी कहती है कितना टाइम हो गया नो बड़ी अभी तक आया क्यों नहीं वो डाकिया से फिर पूछती है इसका मतलब ये है रंस लोअर देन यू इसका अर्थ यह हुआ कि नोबड़ी जो है वो तुमसे बहुत धीरे धीरे चलता है पर इसका एक और अर्थ भी है मतलब तुमसे कम गति से चलने वाला और कोई नहीं है और ये तो डाकिया के अहंकार को चोट है वो कहता है कि नोबड़ी रंस वॉक्स फास्टर देन मी रानी कुछ और समझती है वो कुछ और कह रहा है वो कह रहा है कि मेरे से तेज कोई नहीं दौड़ता रानी कहती वही तो मैं कह रही हूं कि यदि नोबड़ी नाम का व्यक्ति तुमसे तेज चलता है तो उसे अभी तक पहुंच जाना चाहिए वो डाकिया कहते है, पर मैडम नोबड़ी इज नोबड़ी वो रानी कहती वही तो मैं भी कह रही हूं नोबडी इज नो बड़ी फिर अभी तक वो आया क्यों नहीं इस तरह से वो कहानी नो बड़ी शब्द के इर्द गिर्द घूमती रहती है ऐसे बहुत से किस्से होते हैं जिसमें नो बड़ी शब्द आता है जिसके अलग अलग अर्थ अलग अलग पात्र समझते हैं वैसा ही एक शब्द परमात्मा लिटरेचर में भी है जो बार बार घूमता रहता है अलग अलग अर्थों से और वो शब्द है फॉलो फादर जिस जिस के हाथ में ये शब्द गया उसने उसके अपने अपने रीति से अलग अलग अर्थ निकाले जो फादर के साथ थे और जिन्होंने उसकी पालना ली उनके लिए फॉलो फादर के कुछ और अर्थ है जो बाद में आए उनके लिए थोड़े अर्थ बदले जो और बाद में आए उनके लिए और बदले जो बहुत बाद में आए जिन्होंने ना साकार देखा ना व्यक्त उनके लिए तो कुछ और ही अर्थ है अलग अलग व्यक्ति के लिए उसकी बुद्धिमत्ता अनुसार उसके अर्थ बदलते हैं शब्द एक ही है फॉलो फादर ढेर सारी लिया है साकार और अव्यक्त जिसमें यह शब्द हमने कई बार सुना है शब्द अंग्रेजी शब्द है फॉलो अर्थात फॉलो के तीन अर्थ होते हैं अनु अनुकरण अनुगमन अनुसरण अनुकरण अर्थात कॉपी करना अनुसरण अर्थात जैसा उसने किया उसकी चलन उसका बिहेवियर अनुगमन अर्थात वो जिस मार्ग पर चला उन पदचिन्हों पर चलना अनुकरण अनुसरण अनुगमन इसे कहते हैं फॉलो करना परंतु समय का बहुत बड़ा फासला है बीच में इतना विस्तार है ज्ञान का जी कैसे फॉलो करें, बहुत बड़ा प्रश्न है क्योंकि उस कालखंड में हम नहीं थे हमने वो सब चीजें नहीं देखी हमारे पास है यादें, चित्र कुछ चलचित्र जो बनाए गए बाद में उनके आधार से अपनी बुद्धि की पात्रता के अनुसार हम इस फॉलो फादर शब्द को समझने की कोशिश करते हैं परंतु फिर भी हर एक की समझ अलग अलग है और किसी व्यक्ति को यदि समझना हो या जानना हो तो क्या करना होता है एक तो उसके साथ रहना होता है और उसके बारे में दूसरों ने क्या कहा और यहां तो भगवान ने क्या कहा टोटल फोर्टी फोर अव्यक्त मुरलिया है अठारह जनवरी की 1970 से लेकर तो 2016 तक 75 की दो मुरलिया है तो आज क्या तारीख है बारह कल तेरह तो तेरह से लेकर तो सत्रह जनवरी तक छत्तीस दिनों में वो सारी अव्यक्त मूल्यों का अध्ययन करना है कौन सी मुरलिया एटीन जनवरी की कंपाइल की हुई है सबको मिल जाएगी सॉफ्ट कॉपी हर दिन एक अव्यक्त मुरली का अध्ययन क्योंकि यदि ब्रह्मा को समझना है तो भगवान ने उसके विषय में क्या कहा वो समझना होगा एक वो खुद अपने विषय में क्या कहता है साकार मुरलियों में आएगा जो उसके साथ रहे हैं उन्होंने उसके विषय में क्या कहा दादियों उन्होंने उसके विषय में क्या कहा तो दादियों के ढेर सारे अनुभवों की किताबें हैं ऑडियोज है तो अगले 36 दिन कल से 18 जनवरी तक फॉलो फादर यदि समझना है तो ये दो काम करने पड़ेंगे एक तो सारी अठारह जनवरी की का अध्ययन और दूसरा दादियों के सारे अनुभव बहुत सी वरिष्ठ बहने भी हैं, उनके भी अनुभव है तो वो सब के अध्ययन में अपने बुद्धि को बिजी रखना है तो कल से सबके लिए हम सबके लिए ये दो काम है हो सकता है कि कईयों ने कई बार पढ़ भी ली है वो सारी मुरलियाँ जिन्होंने पढ़ी भी है उनको फिर से उन्हें रिवाइज करना है भगवान इस आदि पुरुष आदि देव के विषय में क्या कहता है महात्मा बुद्ध कहीं प्रवचन कर रहे थे प्रवचन पूरा हुआ प्रवचन के बाद उन्होंने कहा जागरण की वेला है हे मनुष्य जागो प्रवचन पूरा हुआ सभा में कई लोग बैठे थे उठकर जाने लगे बुद्ध आनंद से कहते हैं कि हम भी चलो जाके देखे किसने कितना समझा और वो दोनों जाकर जो द्वार है वहां जाकर खड़े हो जाते हैं। लोग वहां से जा रहे हैं। एक महिला बुद्ध के पास आती है और कहती है आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं एक नर्तकी हूं और मेरा आज एक सेठ जी के यहाँ नृत्य था मैं तो भूल ही गई थी जब आपके प्रवचन में बैठी और आपने कहा जागो तो एकदम से मुझे याद आया आपका बहुत बहुत धन्यवाद वो चली गई सभा से लोग उठ उठ के जा रहे एक व्यक्ति और आया उसने कहा कि माफ करना पर मैं एक डाकू हूं यहां से गुजर रहा था देखा यहां कुछ अच्छी बातें हो रही तो मैं बैठ गया और आपका बहुत धन्यवाद मैं तो भूल ही गया था कि आज रात ही मुझे एक डाका डालना है आपका प्रवचन सुनने के बाद मुझे प्रेरणा भी हुई और स्मृति भी आ गई कि मुझे लेट नहीं करना चाहिए तीसरा एक बुजुर्ग व्यक्ति उठकर आता है और कहता है मैंने अपना सारा जीवन दुनियादारी में बिता दिया अपना सारा जीवन विकार और वासनाओं में बिता दिया अपना सारा जीवन व्यर्थ में बिता दिया अपना सारा जीवन संसारिक बातों में बिता दिया आज जैसे आत्मा जागी है चेतना में प्रकाश आया है मुझे भी उसी निर्वाण के मार्ग पर चलना है जिस मार्ग पर आप चले हैं यह संसार व्यर्थ सा नजर आने लगा है सोचता था मैंने बहुत सेवाएं की पर आपको सुनने के बाद लगता है वो सेवा केवल मेरे अहंकार की सजावट थी वो सेवा केवल अहंकार का विस्तार था सेवा थी ही नहीं हर सेवा में मैं ही डोल रहा था सेवा सेवा पर सेवा कहाँ है उसको मैं तो मैं को सिद्ध करने की प्रत्यक्ष करने की प्रगाढ़ इच्छा है क्या इसे सेवा कहेंगे सेवा अर्थात मैं छिप जाए और केवल सेवा दिखे एक ही शब्द था जागो पर किसी को अपना नृत्य याद आ गया तो किसी को अपनी चोरी तो किसी ने अपने जीवन पर एक विहंगम दृष्टि डाली और सब कुछ व्यर्थ दिखाई देने लगा शब्द एक ही था पर हर एक ने अलग अलग तरीके से उसको पकड़ा उसी तरह शब्द एक ही है फॉलो फादर कौन कितनी गहराई में उसको पकड़ रहा है और केवल समझे ना अपने जीवन में लाए और उसको उसी रीति से पकड़ने के लिए केवल पढ़कर सुनकर समझकर नहीं हो सकता टाइम ट्रेवल उस कालखंड में प्रवेश करना होगा जब वो आदि पुरुष इस धरा पर था उन सारे दृश्यों को रिक्रिएट करना पड़ेगा ये एक बहुत अच्छा अभ्यास है जैसे क्राइम ब्रांच वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं क्राइम सीन को क्रिएट करते हैं कि वो यहां से आया होगा फिर ये हुआ होगा फिर वो हुआ होगा उसी तरह हिस्ट्री हॉल में जितने चित्र लगे हुए हैं किसी एक चित्र को देखो और सोचो मैं वहां खड़ा हूं पीछे चले जाओ काल चक्र में टाइम ट्रेवल छोटी छोटी कन्याएं हैं उनके बीच में मैं एक कन्या हूं उन पहाड़ों पर मैं हूं वो जो नाव आई थी शिप क्या नाम था उसका ओखा बंदर पर जो नाव आई थी उसका नाम क्या था सरस्वती वहाँ मैं हूं। वो जो रात में जा रहे हैं, वहां पर मैं हूं पीछे जाना है उसी कालखंड में जहां वो सारी घटनाएं हुई थी ये एक बहुत अच्छा अभ्यास है और नया अभ्यास है एक एक चित्र को देखते हुए पीछे और ये अभ्यास अमृत वेला योग के समय किया जाए तो और शक्तिशाली होगा तो आज की मुरली एक शब्द के इर्द गिर्द घूमती है कौन सा वो शब्द है सारथी कौन किसको देख रहा है बाप बच्चों को देख रहा है और कौन किसको देख रहा है दो प्रकार के बच्चे कभी तीन प्रकार के बच्चे कभी चार प्रकार के बच्चे कभी छह प्रकार के बच्चे हर मुरली में वर्गीकरण होता है क्यों होता है क्या विकारों के भी ऐसे वर्गीकरण है उनमें क्या है यूनिटी सब समान है तो सारथी समझने से क्या होगा बहुत सी बातें होगी सुबह क्लास में चर्चा हो रही थी कि पॉइंट्स निकालने एक तरफ शरीर और दूसरी तरफ आत्मा कई लोगों ने बहुत सारा भेजा है किसी ने सौ भेजे किसी ने डेढ़ सौ वो भी अच्छा है चिंतन के लिए केवल लिखना नहीं है उनका अभ्यास भी करना है अमृत वेला किसी ने ऐसा भी लिखा है शरीर मतलब ये जगत आत्मा मतलब मधुबन <laughs> पेंसिल लीड <laughs> कितने अलग 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 उदाहरण कितना अलग अलग अलग, -अलग चिंतन रथ रत, रथी रथवान और सारथी चारियटीर तो रथी समझना यह सारी विधिया किस लिए अपने आप को शरीर से पृथक करने के लिए मैं अलग शरीर अलग तो आज की मुरली में आठ बातें बताइए सारथी समझने से क्या क्या होता है सबसे पहली देह से न्यारेपन का अनुभव जैसे इस सारथी समझेंगे क्या होगा देह से डिटैच अलग ये शरीर ये मैं अभी हम लोग कौन है गीला नारियल चिपके हुए है खोल और गिरी चिपकी है बाप समान अर्थात सूखा नारियल अलग अलग ऐसे हिलाओ तो आवाज आए आत्मा अलग शरीर अलग कितना अभ्यास करना होगा इसके लिए क्योंकि संसार की हर बात हमें देवभान में लाती है हमारी दिनचर्या ये ऐसी है कि उसमें सब कुछ देह के इर्द गिर्द घूम रहा है शरीर को भूख लगती है प्यास लगती है दर्द होता है बीमारी आती है शरीर 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 चोट लगती है इसी शरीर में रहो और इसी शरीर से अलग हो जाओ कैसा पुरुषार्थ है ये और अपने आप को वो समझना है जो दिखता ही नहीं है सारा खेल अदृश्य का है नोबडी तो सबसे पहली चीज मैं सारथी हूं मैं रथी हूं ये क्या है रथ है मैं ड्राइवर हूं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पर मुरली है टोटल ड्राइवर जो होता है उसे बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है वो कैसा होना चाहिए रथवान सारे रास्ते उसे पता चाहिए नहीं तो क्या करेगा वो भटका देगा रथवान कैसा होना चाहिए बुद्धिमान होशियार टाइम कॉन्शियस और क्या गुण होने चाहिए अच्छे ड्राइवर में गाड़ी को अच्छी तरह से जानने वाला होना चाहिए उसको मेंटेनेंस अच्छा करने वाला होना चाहिए और फोकस होना चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए ज्यादा बात करने वाला नहीं चाहिए कोई कोई ड्राइवर होते हैं वो कंटिन्यूअस बात करते रहते हैं हर चीज पर कमेंट करते हैं जो कुछ दिख रहा है और गाड़ी छोड़कर कहीं नहीं चला जाए नहीं तो गाड़ी के ड्राइवर को ही ढूंढना पड़ता है और हम्म कोई भी व्यसन उसे ना हो और ब्रेक कब लगाना स्पिरिचुअल ब्रेक सिस्टम आध्यात्मिक ब्रेक प्रणाली उसमें वो एक्सपर्ट हो कहा एक्सीटर दबाना है किस स्पीड पर ले जानी है ट्रैफिक रूल्स उसे पता हो गाड़ी की पूरी नॉलेज और उसी गाड़ी की नहीं सभी गाड़ियों की एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइसेंस भी होना चाहिए एक पुजारी और एक ड्राइवर ट्रक ड्राइवर बस ड्राइवर दोनों पहुंचते हैं स्वर्ग बस ड्राइवर को स्वर्ग में भेजा जाता है पुजारी को नर्क ऐसा क्यों यमराज कहते हैं जब तुम कथा सुनाते थे तो सब सोते थे पर ये जब गाड़ी चलाता था तो सब जागे हुए रहते थे तो इफिशियंट ड्राइवर बनना है एक ऐसा ड्राइवर जिसे इस गाड़ी की पूरी जानकारी हो कहा खराबी है मेंटेनेंस इकोनॉमी सब कुछ पता चाहिए इस गाड़ी के बारे में कौन सा पेट्रोल डाल रहे हैं पेट्रोल डाल रहे हैं डीजल डाल रहे हैं या केरोसिन या पानी और कितनी मात्रा में डालना है वो भी आवश्यक है क्या डाला जा रहा है किन रास्तों पर इस गाड़ी को ले जाना है कहा नहीं ले जाना है सारी जानकारी चाहिए इस गाड़ी की और निर्मोही भी चाहिए क्योंकि उसे पता है ये मेरी गाड़ी नहीं है ऊपर से दी गई है तो अपने शरीर को जानना अपने शरीर को समझना शरीर की आवश्यकता है शरीर के रोग शरीर की कमजोरी क्या कारण है जरूर कुछ न कुछ गलत डाला जा रहा है तो सारथी सबसे पहला देह से भी न्यारा सारथी भाव क्या कर देता है मैं सारथी हूं अर्थात गाड़ी अलग मैं अलग ये गाड़ी है मैं ड्राइवर हूं ये मकान है मैं मालिक हूं यह कुटिया है मैं तपस्वी हूं ये सीप है मैं मोती हूं सांप और मणि ढेर सारे तुलनात्मक चीजें हैं जिनका अभ्यास करना है एक भी ले लिया जाए सारे दिन भर उसका अभ्यास किया जा सकता है अलग अलग समय पर दूसरा सारथी समझने से क्या होता है देह भान से न्यारे जो देह का भान है सारथी कॉन्शियसनेस लाना है बॉडी कॉन्शियसनेस को हटाना है मैं इस बॉडी इस गाड़ी में सवार हूं ये जो तदात में है ये जो आइडेंटिफिकेशन है इसको कम करना है। मैं अलग ये अलग भूख लगी तो इस शरीर को भूख लगी है। प्यास लगी इस शरीर को प्यास लगी है। दर्द हो रहा है मुझे नहीं शरीर को दर्द सिर दर्द हो रहा है शरीर को मैं अलग हूं मैं अलग हूं पृथक सेपरेट यही अभ्यास है और कोई अभ्यास ही नहीं है तो देह भान से न्यारा तीसरा सारथी समझने से योग युक्त और युक्ति युक्त हो जाएंगे योग युक्त अर्थात जिसका योग लगा है बाबा ने दो प्रकार के बच्चे देखे जो योग युक्त है और जो योग युक्त नहीं है जो युक्ति युक्त है और जो युक्ति युक्त नहीं है हर कर्म में युक्ति युक्त युक्ति युक्त अर्थात पांच बातें हैं उसमें पहला ज्ञान युक्त युक्ति युक्त अर्थात जिसमें ज्ञान समाया हो संकल्प बोल और कर्म तीनों में दूसरा याद युक्त तीसरा गुण युक्त चौथा शक्ति युक्त और पांचवा राजयुक्त पांचों ही चीजें जहां आ जाएगी तो वह संकल्प वो बोल वो कर्म क्या हो जाएगा युक्ति युक्त अलग अलग मुरलियों में ये शब्द आए हैं गुण युक्त शक्ति युक्त रस युक्त ज्ञान युक्त याद युक्त ये पांचों ही को कंबाइन करके जो परिणाम है वो है युक्ति युक्त बाबा ने कहा इसमें भी अंतर है किसी को कोई कर्म में है कोई पानी में है कोई वाचा में है कोई संकल्प में है कोई कोई सदा है कोई सदा नहीं है कोई अटेंशन रखते हैं फिर रुक जाते हैं, बहुत सी कैटेगरीज है कोई सुबह है तो दोपहर को नहीं है दोपहर को है तो रात को नहीं है किसी परिस्थिति में है किसी परिस्थिति में नहीं है किन्हीं आत्माओं के साथ है तो किन आत्माओं के साथ नहीं है तो जब सारथी भाव सारथी कॉन्शियसनेस दिन रात इसका अभ्यास होगा मैं नहीं सो रहा हूं शरीर सो रहा है तो क्या हो जाएंगे हम योग युक्त हो जाएंगे और युक्ति युक्त और युक्त युक्त होने के बाद दो बातें की बात दो बातें और होगी वो कौन सी एक तो जो कर्म याद में किए जाएंगे या युक्त युक्त होकर किए जाएंगे वो यादगार बनेंगे और दूसरा सिद्धि स्वरूप यादगार में बहुत सारे उदाहरण दिए उठते हो अमृत वेला उसका यादगार बनेगा उधर कैसे खाते हो उसका यादगार बनेगा विधि पूर्वक भोजन स्वीकार करो पूर्वक अर्थात भोग लगाकर किसी को देना है जल्दी है भोग लगाने से क्या होगा भोगना कम होगी क्या होगा भोगना कम होगी इंडिविजुअल भोग लगाना है एक है सार्वजनिक उससे तो हो ही रही है नहीं तो भोगना बहुत ज्यादा होती वो भोग लगा रहे हैं इसलिए थोड़ी कम है परंतु है अभी भोगना अर्थात हिसाब किताब तो जो भी भोजन कुछ भी वो फिर वो पानी ही क्यों ना हो जो इस शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है वो उसे अर्पित किया हुआ हो एक छोटा सा संकल्प एक शक्तिशाली दृष्टि उस पानी को उस जूस को उस निवाले को जो भी है अपनी दृष्टि से उसे प्योर बनाना है प्योर फूड क्योंकि हम कितना भी चाहे तो भी इस कलियुग में शुद्धतम अन्न होना बहुत मुश्किल है असंभव सा है कोई भी भोजन लो उसमें कुछ ना कुछ दोष तो है ही है कहाँ से आ रहा है किसका पैसा था किसने उगाया वो किसान क्या करता था किस कॉन्शियसनेस में खेती की ढेर सारी बातें वो सब कुछ कंबाइंड उस भोजन में है किसी और ने भोग लगाया वो भी कितने ध्यान से और मन से लगाया हमें नहीं पता इसके लिए भोग के विषय में अपने अतिरिक्त तो और किसी पर विश्वास नहीं हम खुद भोग लगाए ये मंदिर है आत्मा देवता है शुद्ध ही इसमें जाए और जितना कम जाए उतना अच्छा तो सबसे पहला योग युक्त कर्म से क्या होगा यादगार भक्ति मार्ग में उठाया जाता है सजाया जाता है नहलाया जाता है सब कुछ होता है और जो ज्यादा पुरुषार्थ जिन्होंने नहीं किया होगा उनकी धुलाई कैसे होती है पाइप से जल्दी जल्दी भाग भाग की अमृत वेला तो एक अमृत वेले की बात दूसरी भोजन की बात तीसरी चाहे बर्तन मांज रहे हो या हजारों लाखों के सामने भाषण दे रहे हो स्थिति समान हर कार्य कार्य कितना भी साधारण हो परंतु स्थिति महान हो हर सेवा कोई भी सेवा छोटी सेवा नहीं है चाहे कुछ भी हो भाव में महानता छिपी हो फिर वो झाड़ू लगाना हो बर्तन साफ करना हो या और कोई सेवा सेम इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके सिवा नहीं आएगा ऊपर से शायद सब कुछ सेम दिखे पर अंदर से चेतना बदल गई हो अंग्रेजी में कहावत है बिफोर एनलाइटनमेंट चॉप वुड कैरी वाटर आफ्टर एनलाइटमेंटमेंट चॉप वुड कैरी वाटर अज्ञान में जाकर लकड़ियां तोड़ता था और पानी भरकर लाता था संपूर्ण ज्ञान हो गया है संपूर्ण स्थिति पहुंच गई है परंतु कर्म वही चल रहे अभी भी जंगल में जाना लकड़ियां तोड़ना पानी भरकर लाना परंतु पहले का लकड़ियां तोड़ना और पानी भरकर लाना और अब का लकड़ियां तोड़ना और पानी भर कर लाना दूसरे लोगों के लिए तो सेम है परंतु हमारे लिए बदल चुका है छोटी छोटी चीजों में महानता हम किससे किस तरह बात करते हैं वो है कर्म में बोल में योग युक्त बोल में युक्ति युक्त हमारे बोल किसी को डिस्टर्ब ना करे हमारे बोल किसी के संस्कारों का मजाक न उड़ाए हमारे बोल किसी की गलती को बड़ा कर कर न दर्शाए एक तरफ तो योग कर रहे हैं और दूसरी तरफ रोज विकर्म हो रहे हैं सूक्ष्म कोई पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहा है हमारे शब्द तीर की तरह उसे चुप जाए और वो परकटी चिड़िया की तरह गिर जाए क्या फायदा फिर हमारे योग करने का एक तरफ कमाई और दूसरी तरफ घाटा पर हमें समझ नहीं आता है कि यह हो रहा है हमसे बड़ी शुद्ध बुद्धि चाहिए यह सब चीजों के लिए तो सबसे पहला देह से न्यारे दूसरा देह बयान भान से न्यारे और तीसरा योग युक्त और युक्त युक्त उसमें पहली बात यादगार और दूसरी बात क्या बन जाएंगे सिद्धि स्वरूप सिद्धि अर्थात प्रत्यक्ष फल ये प्रत्यक्ष फल कब मिलता है कौन देता है और क्या है तीन प्रश्न पूछे हैं क्या क्या उत्तर है कौन देता है स्वयं भगवान ये प्रत्यक्ष फल दे रहा है कब देता है संगम युग में दे रहा है सतयुग में नहीं मिलेगा और क्या है ये प्रत्यक्ष फल अति इंद्रिय सुख छोटे छोटे कर्म भी हमें अतिद्रिय सुख का अनुभव करा है, इंद्रिय सुखों का बहुत अनुभव कर लिया इंद्रियों के जाल में मकड़ी के जाल में बहुत फंसे रहे वो अल्पकाल का सुख है सुख कम है उसमें दुख ज्यादा है और फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है धोखा है, है इंद्रिय सुखों में जितना भोगा प्यास बढ़ती है क्रेविंग बढ़ती है दुष्पुर है वासनाएं कभी तृप्त तो होती नहीं शांत तो होती नहीं चलो माना कि उनमें सुख है पर एक बार भोगने के बाद इच्छा ना हो ये भी नहीं है वो इच्छा बढ़ती ही जाती है बढ़ती ही जाती है कभी रुकती ही नहीं इच्छा है समुद्र की लहरों की तरह है कोई उसका अंत ही नहीं है वैसी संसार की सारी इच्छा है इंद्रिय सुखों की इच्छा है दुख ही देती है प्रत्यक्ष फल अभी का फल क्यों बुद्धि इंद्रिय सुखों की तरफ जाती है चाहे वह भोजन का सुख हो कहीं घूमने फिरने का सुख हो वस्तुओं का सुख हो क्योंकि आत्मा खाली है आत्मा की प्यास केवल सुख की है अगर उसे अतिय सुख नहीं दिया जाएगा तो वो इंद्रिय सुखों की तरफ भागेगी उसका क्या दोष उसे सुख चाहिए उसका स्वभाव सुख है यदि इंद्रिय सुखों की इच्छा हो रही है अर्थात अतिंद्रिय सुख की कमी है योग युक्त 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 इसको बाबा ने तीन शब्द कहे ये तुम्हारी विशेषता है अलौकिकता है और तीसरा न्यारा प्यारापन है ब्राह्मण अर्थात स्वतः ही योग युक्त और युक्त युक्त तो हर कर्म योग युक्त हर कर्म युक्ति युक्त और भूल जाए तो फिर से स्वयं को याद दिलाना ये तीसरी बात सारथी समझने से चौथी इंद्रिय जीत सारथी समझने से क्या होगा कर्मेंद्रिय जीत होगा बाबा ने बहुत अच्छी विधि एक बात बताई है माया के विषय में माया किस तरह माया की क्या विधि है डाउपेच किस तरह आक्रमण करती है माया सबसे पहला आक्रमण कहा होता है स्थूल कर्मेंद्रियों की तरफ स्थूल कर्मेंद्रियों में हलचल होती है उत्तेजनाएं उत्पन्न होती है हलचल उत्पन्न होती है कोई चीज को हाथ लगाना चाहता है देखना चाहता है सुनना चाहता है खाना चाहता है इंद्रिय भोग किसी अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था विषय भोग अर्थात विष भरे भोग विष भरे भोग क्या विधि है माया की सबसे पहला आक्रमण स्थूल इंद्रियों पर साथ साथ मन बुद्धि संस्कार पर और उसके बाद में क्या करती है परवश तुमको दिया गया वशीकरण मंत्र पर वो क्या कर देती है परवश और उसके बाद में क्या हो जाते हैं सारथी की बजाय स्वार्थी और उसके बाद क्या होता है युद्ध लड़ाई तो सबसे पहला अटैक मन बुद्धि स्थूल कर्मेंद्रिया फिर सूक्ष्म कर्मेंद्रिया फिर उसके बाद में स्वार्थ और उसके बाद में युद्ध और युद्ध के बाद युद्ध के बाद वो तो दिया ही नहीं है उसमें युद्ध के बाद युद्ध की आदत और हो सकता है फिर जिनके साथ युद्ध कर रहे करते 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 उनसे दोस्ती कर लेते कब तक युद्ध करते रहे दुश्मनों से छोड़ो अब उससे दोस्ती कर लेते और फिर विकर्म होते रहते हैं परंतु अंदर ज्यादा ये नहीं लगता कि कुछ पाप कर रहे हैं महसूसता खत्म हो जाती है चोर जब पहली बार चोरी करता है तो हाँ, कापते है। बार -बार करता है तो फिर एक्सपर्ट हो जाता है उसमें। फिर नहीं होता है कुछ उसी तरह यहां पर भी है। एक पादरी जा रहा है चर्च में उसका प्रवचन है तेजी से जा रहा है अचानक करहाने की आवाज सुनता है बचाओ 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 वो देखता है दूर एक व्यक्ति पड़ा हुआ है किसी ने छुरा घोप दिया है वो कहता है इसके पीछे जाऊं तो मेरी चर्च में जो मेरा भाषण है उसमें लेट हो जाएगा और यहाँ तो कोई दिखता भी नहीं है किसी ने मुझे देखा नहीं है मैं क्यों रुकू तेजी तेजी जाता है वो व्यक्ति चिल्ला के कहता है रुको रुको मुझे पता है तुम यहाँ के पादरी हो और मुझे ये भी पता है कि तुम आज गॉड इज लव पर प्रवचन करने जा रहे थे अगर मैं बच गया तो मैं सब गांव वालों को बता दूंगा तुम्हारी सच्चाई कि मैं मर रहा था और तुम प्रेम पर प्रवचन करने जा रहे थे पादरी घबराता है कहता है इसको बचाना पड़ेगा लोगों को सही में पता चल गया तो कि मैंने एक घायल व्यक्ति को छोड़ने की छोड़कर आगे निकल गया वह सामने जाता है और देखता है अरे मैंने तुमको कहीं देखा है तुम्हारा चेहरा तो जान पहचान से लगता है कहाँ देखा है मुझे याद नहीं आ रहा है वो व्यक्ति कहता है जरूर देखा होगा मेरा चेहरा तो हर जगह पर है मैं शैतान हूं वो पादरी कहता है हाँ तुम्हारा फोटो हमारे चर्च में है पादरी कहता है, बिल्कुल मैं तुझे नहीं बचाऊंगा हम तो चाहती है कि तुम मर जाओ हमारा तो सारा मिशन ही इसलिए है कि शैतान का खात्मा हो जाए सारे विकारों का मरो तुम मैं तो तुम्हें छू कर अछूत हो जाऊंगा मुझे तुमको हाथ भी नहीं लगाना है वो शैतान करता है सोच लो अगर मैं मर गया तो तुम्हारा धंधा बंद हो जाएगा तुम जीवित हो इसलिए क्योंकि मैं हूं तो आदमी फिर डरता है कहता है बात तो ये सही कह रहा है अगर शैतान ही मर गया तो हमारा क्या होगा हमारी तो ऊपर ऊपर से दुश्मनी है शैतान से पर शैतान तो हमारा मित्र है वो कहता है अरे भाई शैतान तुम तो बुरा मान गए <laughs> चलो मैं तुम्हें तो अस्पताल ले जाता हूँ तुम्हारा इलाज कराता हूँ तुम्हारा बचना हमारे लिए बहुत जरूरी है शैतान इस संसार में है उसका एक कारण ये नहीं है कि जो अधार्मिक लोग जो धार्मिक है उनके वजह से है क्योंकि उन्होंने उन्होंने ही अंदर से दोस्ती कर रखी तो शायद हमारी भी माया से अंदर से दोस्ती है <laughs> गुप्त प्रेम है सीक्रेट अफेयर चालू है ऊपर से तो हम कहते हैं माया जीत है परंतु छुप छुप के प्रेम तो इन अवस्थाओं से आत्मा गुजरती है माया क्या करती है विधि पहले आक्रमण स्थूल कर्मेंद्रियों पर फिर सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर फिर स्वार्थ और फिर युद्ध लड़ाई और लड़ाई करते करते जब थक जाते हैं तो फिर माया से दोस्ती ये था चौथा पांचवा सारथी समझने से शुद्ध स्व उन्नति के शुद्ध संस्कार क्या होते हैं इमर्ज स्व उन्नति के शुद्ध संस्कार अपने आप इमर्ज होते हैं निरंतर सोल कॉन्शियसनेस में रहते हुए निरंतर ड्राइवर कॉन्शियसनेस चैरिटी कॉन्शियसनेस सारथी कॉन्शियसनेस सारथी जीवन हर बार ब्रह्मा का उदाहरण है मैं देह से अलग हूं यह गाड़ी है मैं ड्राइवर हूं यह रथ है मैं रथवान हूं सारथी हूं पृथक पृथक अलग डिटैच ने कहा बस इस अवस्था में रहो क्या होगा अपने आप स्व उन्नति के शुद्ध संस्कार इमर्ज होंगे और तीन प्रकार के संस्कार नष्ट होंगे कौन से अशुद्ध व्यर्थ मुरली में क्या शब्द है एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए मुरली का ऐसे पढ़ो उसको उल्टे कौन से संस्कार उल्टे संस्कार अशुद्ध संस्कार व्यर्थ संस्कार ये सब अपने आप नष्ट होंगे इनसे लड़ाई करने से वो नष्ट नहीं होते शुद्ध इमर्ज हो गया सूरज आ गया प्रकाश आ गया अब अंधकार की चर्चा ही समाप्त तो पांचवा क्या होगा सारथी समझने से शुद्ध संस्कार इमर्ज होंगे छठवा नेचुरल चेकिंग होगी समय अनुसार क्या होगी नेचुरल चेकिंग बाबा ने मुरली में कहा सारे दिन भर तो बेहोशी में गवा दिया और फिर रात में चेकिंग अरे ये नहीं करना चाहिए था वो नहीं करना चाहिए था कमाई की नहीं गवाया और फिर चेकिंग ऐसी चेकिंग नहीं चाहिए चेकिंग कैसी हो इंटरमिटेंट चेकिंग बीच बीच में चेकिंग सारी दिनचर्या में चेकिंग जैसे इंटरमिटेंट साइलेंस इंटरमिटेंट सॉलिट्यूड इंटरमिटेंट फास्टिंग उसी तरह इंटरमिटेंट चेकिंग इंटरमिटेंट अर्थात बीच बीच में अंतराल में जब भी समय मिले सोचो कि नुमा शाम हो गई है चेकिंग चालू अभी तक क्या क्या हुआ चेकिंग सुबह से 11 बज गए 8 बजे से 11 बजे तक क्या क्या हुआ जब भी टाइम मिले दो बज गए सुबह से अब तक क्या क्या हुआ सब ठीक ठाक है बाबा को मैसेज भेज दो एक ओके सुबह चार बजे से अब तक ठीक है अभी तक अभी तक कोई गड़बड़ नहीं हुई है आगे का पता नहीं आगे का संभाल लेना हे प्रभु एक व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है एक बच्चा हे प्रभु हे प्रभु आप पंजाब को अमेरिका की कैपिटल बना दो भगवान कहता है ऐसी कैसी है तुम्हारी प्रार्थना है भगवान प्रकट होते हैं, ऐसा क्यों? वो कहता है क्योंकि एग्जाम में मैं वैसा लिख कर आया हूं तो चेकिंग इंटरमिटेंट चेकिंग बीच बीच में चेकिंग बार बार चेकिंग एक ही फाइनल चेकिंग नहीं रात में दिन भरी चेकिंग होती रहे होती रहे। एक गांव में नया पुजारी आता है लोग उसकी बहुत महिमा करते हैं बहुत अच्छा बोलता है प्रवचन करता है एक बार वो बस में बैठता है बस चालू होती है वो ड्राइवर होता है पैसे काटता है किराए के और पैसे वापस देता है वो पुजारी देखता है कि दस रुपए ज्यादा है फिर सोचता है दो कि नहीं दो वापस सोचता है अभी टाइम है देखता हूँ बाद में फिर सोचता है वैसे भी ये बस वाले तो कितना खाते रहते हैं पैसा और मेरे पास पैसा है मैं अपने लिए थोड़ी ना यूज करूंगा मैं तो मंदिर के कार्य में लगाऊंगा भगवान के कार्य में लगाऊंगा मैं अपने पास ही रखता हूँ फिर सोचते हैं दे देता हूँ नहीं नहीं दूंगा क्या फर्क पड़ता है वैसे दस ही तो रुपए ऐसे सोचते जाता है सोचते जाता है और जब स्टेश, उसका स्टेशन आ जाता है वहां उतरता है तो अचानक उसके हाथ अपनी जेब में जाते हैं और उस कंडक्टर को वो पैसे दे देता है आपने ये दस रुपये ज़्यादा दिए थे वो कंडक्टर क्या कहता है कि आप ही वो पुजारी हो जो इस शहर में आए हो नए मंदिर में वो कहते हैं, हाँ। वो हैं मैंने आपके विषय में बहुत सुना था मैंने जानबूझकर कर दस रुपए ज्यादा दिए थे मैं यही देखना चाहता था कि आप जो बोलते हो आचरण में है या नहीं है वो पुजारी वहां से जाता है पसीना पसीना पूरा <laughs> अच्छा हुआ <laughs> हे प्रभु तूने आज बचा लिया <laughs> कौन किस रूप में हमारा कंडक्टर बनकर आ जाए इंस्पेक्टर बनकर आ जाए चेकर बनकर आ जाए माया के सीआईडी इस पर एक मुरली है एक अव्यक्त मुरली है इस पर माया के सीआईडी आई इर्द गिर्द घूम रहे हैं तुम्हारी तुम पर निगरानी रखे हुए है यू आर अंडर अरेस्ट नहीं सीसीटीवी <laughs> चेकिंग छठवा चेकिंग सातवा निरंतर सारथी समझने से क्या होगा मजबूत इस आदत से क्या होंगे मजबूत और उस आदत से क्या होंगे अशुद्ध संस्कार वाले व्यर्थ संस्कार वाले उल्टे संस्कार वाले मजबूर और लास्ट और सबसे पावरफुल जितना जितना सारथी समझोगे उतने उतने क्या होते जाओगे साक्षी निर्लेप सारा खेल चल रहा है पर हम अप्रभावित है हजारों लोग आ रहे हैं स्तुति कर रहे हैं तारीफे कर रहे हैं कोई प्रभाव नहीं दूसरे आ रहे हैं निंदा कर रहे हैं उपेक्षा कर रहे हैं अपमान कर रहे हैं इंसल्ट कर रहे हैं साक्षी खेल चल रहा है कार्टून शो मिकी माउस का शो कॉमेडी शो पपेट शो चार शो है खेल चालू है ग्राउंड पर खेल रहे बच्चे ड्रामा हो रहा है शो हो रहा है प्ले हो रहा है खेल हो रहा है स्वप्न है साक्षी इसी पर काम करना है सभी धर्मों में यदि एक बात स्वीकार की गई है तो वो ये है साक्षी भाव सर्वोच्च अवस्था है तो सारथी समझने से क्या होगा साक्षी की साधना अपने आप होती रहेगी साक्षी साधना है एक हर चीज को साक्षी होकर देखना अलग होकर देखना जैसे मैं उसमें हूं ही नहीं और भी तो एक पात्र मात्र हूं उस पूरे ड्रामा में मैं दर्शक भी हूं तो किरदार भी हूं दोनों हूं तो ये कितनी बातें हो गई आठ सबसे पहला बताया देह से न्यारा दूसरा देह भान से न्यारा तीसरा योग युक्त और युक्तियुक्त चौथा कर्मेंद्रिय जीत पांचवा सौउन्नति के शुद्ध संस्कार स्वतः इमर्ज होंगे छठवा नेचुरल चेकिंग होगी समय अनुसार अपने आप चेकिंग होती रहेगी सातवा मजबूत होंगे यही मेन अभ्यास है फाउंडेशन है आत्मा समझ के बाप को याद करो इतनी सारी ढेर अव्यक्त मूर्या बस इसी एक छोटे से पॉइंट के लिए अपने को आत्मा समझो इसी का ही अभ्यास है और कोई अभ्यास ही नहीं और यह अभ्यास कब होगा सबसे ज्यादा अमृत वेला इसके लिए अमृत वेले का समय अवधि क्वालिटी क्वांटिटी सब बढ़ाते जाना है क्योंकि दिन भर बड़ा कठिन है ये अभ्यास हो सकता है पर मुश्किल है सुबह का ही एक समय है जो हमारे हाथ में है और लास्ट साक्षी और क्या क्या कहा बाबा ने पहले मैं ईर्षा में नहीं पुरुषार्थ में अंत सो गति और क्या कहा माताओं को क्या कहा बच्चों से तंग नहीं होना है तो क्या करना है उन्हें तंग करना है मेरा बच्चा मेरी बात सुनना चाहिए मैं जो बोलू वो तुम्हें करना है ये मालकियत की भाषा है स्वामित्व की भाषा है उस एक के अलावा हम किसी पर भी अपना स्वामित्व अपनी मालकियत नहीं दिखा सकते उस पर कह सकते उसके लिए कह सकते कि वो मेरा है बाकी मनुष्यों का कोई भरोसा नहीं है तो मेरा मेरा कहने से क्या होगा तंग और तेरा तेरा कहने से ते रहेंगे। और क्या कहा मुरली में आगे जाने वाले जैसे सामने की लाइन में आगे बैठे हो वैसे अब बैठने में अगर आगे हो टीचर से मुलाकात अब किस में आगे जाना है पुरुषात में आगे बढ़ने में आगे जाओ बाप समान बनने में फॉलो फादर करने में आगे जाओ फास्ट फर्स्ट फ्रंट फ्रंट रो में बैठे बेहद और क्या कहा मुरली में भारतवासी और विदेशी यह भी नशा है कि हमारा जन्म कहाँ हुआ इस भारत भूमि में हुआ और क्या कहा फर्स्ट पे आना और क्या हुआ और क्या कहा हाँ सभी फर्स्ट नहीं आएंगे पर फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट डिवीजन में तो आएंगे जो ब्रह्मा के समीप रहेगा वो अब कैसे रहे उसकी वही विधि बताई टाइम ट्रैवल कालखंड में पीछे प्रवेश करना क्योंकि साकार का अनुभव तो अब नहीं किया जा सकता है परंतु हाँ मन से किया जा सकता है मन से पीछे जाया जा सकता है पीछे भी और यहां पर भी अनुभव करना है इस परिस्थिति में यदि बाबा होते ब्रह्मा बाबा तो वो क्या करते इसी परिस्थिति में और क्या कहा नेत्र बंद हो जाएगा और क्या कहा प्रश्न नहीं करना है फिर क्या करना है उत्तर देने हैं और <laughs> और क्या कहा? और क्या कहा कहा बाबा ने अपना ही उदाहरण दिया है शिव बाबा ने जैसे मैं इस तन में क्या हूं अलग हूं सारथी हूं यह मेरा रथ है जैसे मैं न्यारा प्यारा रहता हूं वैसे तुम भी रहो बाबा जब जाते हैं तो कैसा न्यारापन होता है वो सीन याद है ना सब भाई बहने वरिष्ठ भाई बहने बैठे थे दादिया बैठी थी गीत गा रहे थे अभी ना जाओ छोड़कर दिल अभी भरा नहीं तो बाबा ने जाते जाते क्या कहा था उस समय ये दिल कभी भी भरेगा नहीं तो मैं रुकूंगा थोड़ी <laughs> आगे वाला नहीं कहा था नहीं कहा था <laughs> ये दिल कभी भी भरेगा ही नहीं याद है सीन डायमंड हॉल का ऐसे योग युक्त बच्चों को ऐसे युक्ति युक्त बच्चों को ऐसे साथी सारथी बच्चों को ऐसे साक्षी बच्चों को ऐसे देहभान से न्यारे देह से न्यारे ऐसे कर्मेंद्रिय जीत बच्चों को ऐसे मजबूत बच्चों को ऐसे ऐसे लक्ष्य में यही लक्ष्य है तुम्हारा ये एम ऑब्जेक्ट है इसमें पहले मैं ईर्षा में पहले मैं नहीं ऐसे तंग ना होने वाले बच्चों को ऐसे न तंग करने वाले न तंग होने वाले ऐसे तैरने वाले बच्चों को ऐसे प्रश्न चित्त नहीं प्रसन्न चित्त बच्चों को ऐसे जिनका तीसरा नेत्र निरंतर खुला है और तीसरा कोई नहीं है जिनके जीवन में ऐसे बच्चों को ऐसे जो सदा राजयुक्त तो, युक्त है ऐसे और विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले हर कर्म विधि पूर्वक योग युक्त करने वाले चाहे वो भोजन बनाना भोग लगाना चाहे झाड़ू लगाना बर्तन साफ करना कोई भी सेवा हो हर सेवा को महान समझने वाले बच्चों को ऐसे अतिय सुख का प्रत्यक्ष फल खाने वाले बच्चों को बाबा ने कहा कभी ध्यान स्वप्न में भी कभी सोचा था ख्याल ख्यालात में भी तुम्हारे कभी था कि भगवान आकर तुम्हें फल देगा ऐसे जिनका हर कर्म यादगार बन रहा है ऐसे बच्चों को ऐसे सदा उड़ने वाले बच्चों को ऐसे चेकिंग, चेकिंग जिनके जीवन में नेचुरल हो गई है ऐसे बच्चों को ऐसे जिनके स्व उन्नति के शुद्ध संस्कार नेचुरल रूप से इमर्ज होते रहते हैं हमें कुछ करना नहीं होता है अपने आप इमर्ज होते हैं और जो अशुद्ध संस्कार है जो विकार के संस्कार है दूसरों को हंसने वाले जो हमारे संस्कार है दूसरों का अपमान करने वाले जो संस्कार है वो धीरे धीरे खत्म होते जाए नष्ट होते जाए ऐसे जो और जैसा हूं निमित्त हूं पहले मैं और निमित्त टीचर्स को कहा ना जैसा जो मैं करूंगा और जो मैं करूंगी और जैसा मैं करूंगी सब मुझे देख कर करेंगे ऐसे बच्चों को ऐसे ईर्षा मुक्त बच्चों को ऐसे अव्वल अर्जुन बच्चों को ऐसे हम्म मंजिल के समीप रहने वाले मंजिल को समीप लाने वाले बच्चों को ऐसे सब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते अभी मन से टाइम ट्रेवल करना है नाइनटीन फोर्टीज में पहुंच जाओ पाकिस्तान <laughs> सिंध हैदराबाद <laughs> Om shanti